सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओलंपियड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जिसमें मैथमेटिक्स आता है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में हम लोग स्पेशली ओलंपियड लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट अगर आपकी डिमांड होगी डेफिनेटली मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में मेरा फोकस यही है कि अगर आपने अपनी तैयारी कर रखी है तो यहां पर आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ जो ओलंपिक लेवल के होते हैं। कई सारे बच्चों को डाउट हो रहा था कि हम लोग कहां से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, तो यहां से आप क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके से आने वाले हैं। काफी कम क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और आप डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ सीख करके जरूर जाओगे। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक ट्राई जरूर दे सकते हो। मैं आपको सफिशिएंट टाइम भी जरूर देने वाला हूं, आप खुद से सॉल्व करके देखो, सॉल्यूशंस भी यहां पर आपको समझाया जाएगा, डिटेल में आपको सारी एनालिसिस अच्छे तरीके समझ में आ जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वीडियो को आप आराम से लेट करके बिल्कुल भी नहीं देख सकते। एक कॉपी पेन उठाओ यार, अच्छे तरीके से सॉल्व करो, साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। लेटते लेटते देखोगे यहां पर आपको ज्यादा यूटिलाइज कर नहीं पाओगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। होपफुली अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आएंगे, हम लोग आगे भी कई सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। आप में से कई सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक होता है जहां पर आप स्कोर कर सकते हो। कम इनपुट और आउटपुट का रेशियो होता है, यानी कम मेहनत में आप आउटपुट काफी अच्छा खासा निकाल सकते हो। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये टॉपिक चूज करके दिया हुआ है। अब इस टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर आपको पसंद आता है, सीखने को कुछ मिलता है, तो डेफिनेटली हम लोग दूसरे एरियाज को भी टच कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर वन कहता है, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, देन इट्स 29th टर्म इज इट्स डैश ऑफ 19th टर्म। ऑप्शन आर थ्राइस, ट्वाइस, हाफ और इक्वल। अगर आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ योर ओन। आप एक मिनट का टाइम पीरियड ले सकते हो क्योंकि ओलंपियड लेवल में यही होता है, एक क्वेश्चन को एक ही मिनट मिलता है। तो वीडियो पॉज करके आप अच्छे तरीके से ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग सोल्यूशन के ऊपर मूव करते हैं। तो हमसे सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होल इनटू डी। और यहां पर हमको नाइन्थ टर्म गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए नाइन इज इक्वल टू ए प्लस नाइन माइनस वन होल इनटू डी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 8d is equal to 0, क्योंकि ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में ये 0 गिवन है। तो इससे हमको पता चलता है a is equal to minus 8d। हमेशा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो अननोन फैक्टर थे, एक फर्स्ट टर्म यानी a और कॉमन डिफरेंस d। तो हमको मिल गया a is equal to minus 8d। तो अब हम लोग 29th टर्म फाइंड कर लेते हैं। सो a 29 is equal to a plus 29 minus 1 होल into d। सॉल्व करने पर हमको a plus 28d मिल जाएगा। a का वैल्यू ऑलरेडी हमने minus 8d फाइंड कर रखा है, तो उसको हम लोग पुट कर देंगे तो हमको माइनस 8d प्लस 28d दैट इज इक्वल टू 20d। सो a 29 का वैल्यू हमको 20d मिल चुका है। अब हम लोग a 19 फाइंड करेंगे। a 19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 होल इनटू d दैट इज इक्वल टू a प्लस 18d बनता है। a का वैल्यू पुट करेंगे माइनस 8d प्लस 18d इज इक्वल टू 10d। अब डायरेक्टली देख करके बता सकते हो कि यहाँ पर a 29 जो होता है वो ट्वाइस ऑफ a 19 बन जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ट्वाइस आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कहता है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 8x प्लस 4, 6x माइनस 2 एंड 2x प्लस 7 आर इन AP इज। हमको तीन टर्म्स गिवन है और इन तीनों को AP में बताया गया है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर गिवन है और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करना शुरू करते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है कि अगर तीन टर्म्स ए बी और सी, अगर तीनों टर्म्स ए पी में है तो मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। हम उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो अच्छे तरीके से लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। क्या हम लोग किसी को भी a एज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जिस सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में आपको फाइंड करना है। तो इस हिसाब से a का वैल्यू यहाँ पर 8x प्लस 4, b का वैल्यू 6x माइनस 2 और c का वैल्यू 2x प्लस 7 बनता है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करेंगे और फाइंड करेंगे x का वैल्यू क्या बनता है। सो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हमारा फॉर्मूला है। इस हिसाब से 2 इंटू 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 8x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 7।
फर्दर सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 12x-4 = 10x + 11, और इसको सॉल्व करने पर 2x = 15 और x का वैल्यू 15/2 बनता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बनता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 3n² / 2 + 13n / 2, फाइंड इट्स 25th टर्म। ऑप्शन यहाँ पर हमको गिवन है, यहाँ पर हमको सम ऑफ द एपी का कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है। आप सम ऑफ द कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो या फिर आप डायरेक्टली 25th टर्म को भी फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है कि अगर हमको कोई भी टर्म फाइंड करना है तो 25th टर्म हमको यहाँ पर फाइंड करना है, तो सम ऑफ 25 टर्म्स माइनस सम ऑफ 24 टर्म फाइंड करने से हमको 25th टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आराम से पॉज करके या फिर स्लो करके देख सकते हो। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। SN = 3n² / 2 + 13n / 2 हमको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 25th टर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स और हम लोग सम ऑफ 24 टर्म्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25th टर्म हमको समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा आसानी से। हम लोग देखते हैं यहाँ पर सम ऑफ 25 टर्म्स, आपको सिर्फ और सिर्फ n की जगह पर यहाँ पर 25 पुट कर देना है। सो यहाँ पर S25 = 3 × 25² / 2 + 13 × 25/2, सॉल्व करने पर यहाँ पर आपको 1100 मिलेगा। सिमिलरली सम ऑफ 24 टर्म्स यहाँ पर 3 × 24² / 2 + 13 × 24/2, that is equal to 1020 का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलता है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना था, यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस हिसाब से 25th टर्म इज इक्वल टू 1100 - 1020, दैट इज इक्वल टू 80। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी यहाँ पर 5, 2 - 1 ... इज -22। काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि हमारा एपी रिवर्स में जा रहा है तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑप्शन को भी देख सकते हो, अच्छे से खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब हम लोग सोल्यूशन के ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमको गिवन है एक एपी, जहाँ पर फर्स्ट टर्म ए हम लोग एज्यूम करते हैं, जिस चीज को यहाँ पर ए हमारा 5 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारा -3 है। ध्यान से देखो, हम लोग 5 से 2 की तरफ जा रहे हैं, 2 से -1 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा -3 बनता है। हम लोग कॉमन डिफरेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, जो भी आगे होगा उससे पीछे वाले नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड मिल जाता है। यहाँ पर हमारा 2 - 5 कर सकते हो, -1 - -2 कर सकते हो, इस तरीके से कोई भी कर सकते हो, आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। ये काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हमको ए एन ऑलरेडी गिवन है, ए एन का वैल्यू यहाँ पर -22 है, सिर्फ और सिर्फ हमको फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। तो फॉर्मूला यहाँ पर an = a + n - 1 / d, ए एन का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे, डी का वैल्यू पुट करेंगे, एन का वैल्यू सिर्फ हमको फाइंड करना है। सो -22 = 5 + n - 1 / -3, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके हमको सिर्फ एन का वैल्यू फाइंड करना है। सो -27 = -3 × n - 1 - - कैंसिल हो जाएगा और n - 1 का वैल्यू हमारा यहां पर 9 आ जाएगा, n का वैल्यू हमारा 10 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझ के एनालिसिस करके आपको सॉल्व करना जरूरी है। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन एपी हैविंग 10 टर्म्स एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म इज 99 एंड एक्सेप्ट फॉर द सिक्स्थ टर्म इज 89। Find the 8th term of the progression if the sum of the 1st and 5th term is equal to 10. काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझ समझ के हमको सॉल्व करना जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है, अब वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और इसका सोल्यूशन अब हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझ में आना जरूरी है कि एक एपी में आपके 10 टर्म यहाँ पर आपको गिवन है। 10 टर्म में से फर्स्ट टर्म को छोड़ करके सेकेंड टर्म से 10th टर्म तक का सम 99 बनता है। और दूसरा चीज यहाँ पर गिवन है कि सिक्स्थ टर्म को अगर छोड़ देते हैं, यानी फर्स्ट से लेकर के 10th तक सिर्फ हम लोग 6th टर्म को अगर छोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर 89 मिलता है। तो इस चीज़ को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। हमको यहाँ पर गिवन है a2 + a3 + a4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 10 = हमारा यहाँ पर 99 गिवन है। सेकेंड टर्म कहता है a1 a2 a3 a4 a6 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, a7 a8 9 10, इसका सब हमारा 89 गिवन है। इतने सारी चीज़ें आपको लिखने के लिए जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर वाला टर्म और नीचे वाले टर्म को आप ध्यान से देखो, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है। मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया है आपको आगे समझ में आ जाएगा। अगर आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलेगा a6 - a1, ऊपर आपका a6 है, नीचे आपका a1 है। अच्छे तरीके से समझो, आपको समझ में आ जाएगा a6 - a1 = हमको 10 मिल जाता है, ठीक है। LHS - LHS, RHS - RHS, ये हमको समझ में आ गया। तो a6 को हम लोग लिख सकते हैं a1 + 5d - a1 = 10, तो 5d का वैल्यू यहाँ पर 10 आता है और d का वैल्यू हमको 2 यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ गया।
सेकंड इक्वेशन हमको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि a1 प्लस a5 इज इक्वल टू 10 यहाँ पर हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर a1 प्लस a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 10। a5 को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं a1 प्लस 4d। सो 2a1 प्लस 8 हम लोग d का वैल्यू पुट करेंगे प्लस 8 इज इक्वल टू 10। तो a1 का वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 मिल चुका है, d का वैल्यू मिल गया, a1 का वैल्यू मिल गया, हम लोग 8 थ्योरम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो a8 इज इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 1 होल इंटू डी। सो पुट द वैल्यू 1 प्लस 7 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 15। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, ये काफी सिंपल वे में मैंने आपको समझाया हुआ है, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कई सारे बच्चे SN का वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये काफी सिंपल डेटा आपको गिवन रहता है, आपको उसी तरीके से सॉल्व करना जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में आखिर क्यों दिया हुआ है। तीन ऑप्शन, तीन सिचुएशन हमको गिवन था और तीनों के तीनों सिचुएशन आपको क्वेश्चन में यूटिलाइज करना है, इसीलिए दिया हुआ है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। टाइम काफी क्रूशियल होता है हमारे एग्जामिनेशन में और इस चीज को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इन एन एपी इफ द पीथ टर्म इज क्यू एंड क्यूथ टर्म इज पी देन द एंथ टर्म। ये एक्चुअली क्लास 11th का क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे बच्चे कई सारे कॉन्सेप्ट में आपको एडिशन मामले में ये देखने को मिल जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे तरीके से सिर्फ नोट डाउन करते हो सिंपल इक्वेशन में भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन यहां पर आपको गिवन है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब हम लोग डिटेल सॉल्यूशन के ऊपर मूव करते हैं। तो किसी भी एपी में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d होता है, तो इसी इसको हम लोग पीथ और क्यू में हम लोग कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो एपी का वैल्यू हमारा मिलता है a प्लस p माइनस 1 होल इनटू d और इसका वैल्यू हमको क्यू गिवन है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो हमको मिलेगा a प्लस pd माइनस d इज इक्वल टू क्यू। होपफुली ये चीज समझ में आ गई। सिमिलरली ए क्यू का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, ए प्लस क्यू माइनस वन होल इंटू डी दैट इज इक्वल टू पी गिवन है। तो ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी हमको यहाँ पर अच्छे तरीके समझ में आ गया। अगर आप सिंपली इस चीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऊपर और नीचे तो हमको मिलेगा माइनस कॉमन ले लो q माइनस पी होल इंटू डी दैट इज इक्वल टू q माइनस पी। बोथ साइड में क्यू माइनस पी कैंसिल हो जाएगा और d का वैल्यू हमको माइनस वन यहाँ पर समझ में आ गया। किसी भी AP में a और d फाइंड करना काफी ज्यादा जरूरी है, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर आप ये दोनों चीज फाइंड कर लेते हो कुछ भी फाइंड कर सकते हो, क्वेश्चन में आगे जो भी गिवन होगा आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। इसके बाद हमको a फाइंड करना है, d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आपको आसानी से a का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं a प्लस पी माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू क्यू, ए इज इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस वन। सिंपली आपको वैल्यू पुटिंग करना है। वैल्यू पुटिंग में भी कई सारे बच्चे गलती करते हैं, सिंपल वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, एंथ टर्म फाइंड करते हैं। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी, ए का वैल्यू पुट करो, डी का वैल्यू पुट करो, क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस n माइनस वन होल इंटू माइनस वन। तो यहाँ पर हमको मिलेगा p प्लस क्यू माइनस एन। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर a हमारा करेक्ट आंसर बनता है। काफी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू पुटिंग अगर आपको आता है तो कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है इफ x नॉट इक्वल टू y एंड द सीक्वेंस x a1 a2 y एंड x b1 b2 y each are in AP. Then find the value of A2 minus A1 by B2 minus B1. Option यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से given है। Question को pause करो और आसानी से solve करने की कोशिश करो। काफी easy question है। Olympiad level में इसी type के questions पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा try करोगे इस question को आसानी से कर सकते हो। ज़्यादा complex question है नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है हम लोग एनालिसिस करना शुरू करते हैं। अब हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमको दो सीक्वेंस गिवन है। फर्स्ट सीक्वेंस है x a1 a2 y और दूसरा सीक्वेंस है x b1 b2 y और हमको क्वेश्चन में गिवन है a2 माइनस a1 बाय b2 माइनस b1। क्वेश्चन के न्यूमरेटर को अच्छे तरीके से देखो हमको क्या गिवन है। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 का मतलब क्या है, माने a2 माइनस a1 एक कॉमन डिफरेंस को ही डिनोट कर रहा है, b2 माइनस b1 हमारे कॉमन डिफरेंस को ही डिनोट कर रहा है। यानी फर्स्ट सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेकंड सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस, आपको सिर्फ एक रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग सेपरेटली इन दोनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एपी में हमको चार टर्म गिवन है x a1 a2 y और उसके बाद हमको फर्स्ट टर्म यहाँ पर x गिवन है। कॉमन डिफरेंस आप किसी को भी ले सकते हो, यानी a1 माइनस x को ले सकते हो, a2 माइनस a1 को ले सकते हो, y माइनस a2 को ले सकते हो। मैंने यहाँ पर a2 माइनस a1 को लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि हमको न्यूमरेटर में यही चीज फाइंड करना है। उसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पर हमारा फोर्थ टर्म y गिवन है और हम लोग इसी चीज के ऊपर सॉल्व करेंगे। फोर्थ टर्म y गिवन है तो इसी चीज को हम लोग सॉल्व करने पर हमको मिलेगा y इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू a2 माइनस a1। हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग किया हुआ है, कोई ज्यादा क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d आपको पता है, n माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया क्योंकि ये हमारा फोर्थ टर्म था और d का वैल्यू यहाँ पर हमारा a2 माइनस a1 आ गया। होपफुली ये समझ में आ गई होगी। a2 माइनस a1 का वैल्यू सिर्फ हमको फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू y माइनस x डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली हम लोग सेकंड सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई करेंगे और हमको मिलेगा इन एन एपी जो हमको सेकंड एपी में गिवन है
एक्स बी वन बी टू वाई, और सिमिलरली यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म हमारा x होता है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर बी टू माइनस बी वन बनेगा, फोर्थ टर्म यहाँ पर भी आपको y मिलेगा, और इक्वेशन आपको बनेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री इंटू बी टू माइनस बी वन। बी टू माइनस बी वन का वैल्यू भी यहाँ पर है y माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री आएगा, सिर्फ रेशियो फाइंड करना है। सो ए टू माइनस ए वन बाई बी टू माइनस बी वन यहाँ पर आपका वन आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी योर करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर एट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट m and n terms of an AP is m square is to n square. Find the ratio of the mth and nth term. Question hopefully आपको समझ में आ गया होगा, और ये रहे आपके options। अब खुद से एक बार pause करके try करने की कोशिश करो। इसको हम लोग एक fresh page में करेंगे क्योंकि थोड़ा calculation बड़ा है। तो मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एस एम बाई एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, क्योंकि ये ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हम लोग सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला डालेंगे जो कि होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करना है। सो एम बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी डिवाइडेड बाई एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी, और इसका वैल्यू हम लोग एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हमको यहाँ पर पता है। टू और टू कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड में से एम और एन कैंसिल करेंगे, और सॉल्व करने पर हमको यहाँ पर मिलेगा 2a plus m minus 1 whole into d divided by 2a plus n minus 1 whole into d, और इसका वैल्यू हमको m by n हमको यहाँ पर मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और खोल देना है, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर a और d के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक ap में यही होता है और यही चलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 2an plus mnd minus nd is equal to 2am plus mnd minus nd। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो, हम लोग बोथ साइड में से कैंसिल आउट करेंगे तो हमको मिलेगा एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू टू ए एम माइनस टू ए एन। फर्दर सॉल्विंग हमको मिल जाएगा यहाँ पर एम माइनस एन होल इंटू डी इज इक्वल टू टू ए इंटू एम माइनस एन। बोथ साइड में से एम माइनस एन कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा डी इज इक्वल टू टू ए। एक रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश कर दिया, और अब हमको सिर्फ और सिर्फ m और n टर्म को हमको रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे am by an is equal to a plus m minus 1 whole into d divided by a plus n minus 1 whole into d। a के जगह पर a का वैल्यू पुट करेंगे और d के जगह पर हम लोग 2a का वैल्यू पुट कर देंगे। सारा का सारा टर्म हम लोग a में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो हमको यहाँ पर मिलेगा a plus m minus 1 whole into 2a divided by a plus n minus 1 whole into 2a। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, स्लो करके अच्छे आने से समझ सकते हो, पॉज करके समझ सकते हो, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए एम बाई ए एन इज इक्वल टू ए, अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं बोथ साइड में से तो हमको मिलेगा वन प्लस टू एम माइनस टू डिवाइड बाई ए इंटू वन प्लस 2n माइनस टू। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से हम लोग a कैंसिल आउट कर देंगे, हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा am by an is equal to 2m minus 1 divided by 2n minus 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर b हमारा करेक्ट आंसर बनता है। सिंप्लीफिकेशन अगर आपको आता है तो आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर गिवन है फोर नंबर्स आर इंसर्टेड बिटवीन द नंबर्स 5 एंड 95 सच दैट एन AP रिजल्ट्स। फाइंड द बिगेस्ट ऑफ दीज फोर नंबर्स। ऑप्शंस आर गिवन, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन के पूरे मूव करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझ में आना जरूरी है। क्वेश्चन में गिवन है 5 और 95 के बीच में आपको फोर नंबर्स पुट करने हैं, ताकि टोटल आपके छः नंबर बनेंगे। ये छः के छः नंबर एक एपी में फॉर्म होंगे। आपको फाइंड क्या करना है, जो चार नंबर आप पुट करने वाले हो उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग इसके सॉल्यूशन के ऊपर मूव करते हैं। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है, हमको एपी ऑलरेडी गिवन है, और हम लोग बीच के टर्म्स को एज्यूम कर लेते हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। तो इस तरीके से हमारा एपी फॉर्म होने वाला है। हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म 5 होगा, कॉमन डिफरेंस हम लोग डी एज्यूम कर लेते हैं, और लास्ट टर्म जो हमारा सिक्स टर्म है वो हमारे यहाँ पर 95 ऑलरेडी गिवन है। छह टर्म आपको दिख रहा है, सिक्स टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5d लिख सकते हैं। सो 95 इज इक्वल टू 5 प्लस 5d, और बोथ साइड में से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। सो d का वैल्यू हमारा यहाँ पर 18 मिलेगा। हमको d का वैल्यू मिल चुका है, फर्स्ट टर्म हमको पता है, तो ए फोर हमको फाइंड करना है। सो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो, बिगेस्ट नंबर हमारा यहाँ पर ए फोर बनता है, जो कि कौन सा टर्म है। यहाँ पर ए फोर फोर्थ टर्म नहीं है, ए फोर हमारा यहाँ पर फिफ्थ टर्म है, ये आपको समझ में आना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा ए प्लस फोर डी ही होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ए फोर हमारा ए प्लस फोर डी कैसे हुआ है, क्योंकि ए फोर एक्चुअली में फिफ्थ टर्म है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सिर्फ से वैल्यू पुटिंग करेंगे, 5 प्लस 4 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 77। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन ए पी 5 2 माइनस 1 माइनस 4 डॉट डॉट माइनस 31 इज।
ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भी नहीं। अगर आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में थोड़ी दिक्कत है तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर आपको सारा का सारा चीज़ रिवर्स करना है। व्हेन एन एपी विल बी रिवर्स, हमको क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसका साइन चेंज हो जाएगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन जाएगा। हमको हमेशा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म से ही मतलब है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म जो है -31, और इसको हम लोग एल एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ए लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो हम लोग एल एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर +3, मैंने +3 क्यों लिखा है? कॉमन डिफरेंस हमको तो -3 दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया एपीए का रिवर्स हो गया, ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस 3 बनेगा। आपको एंड से सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं L+5D। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग लास्ट से ले रहे हैं इसीलिए L+5D बनेगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, सो आंसर हमारे यहाँ पर -16, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इसी तरीके से हम लोग सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट को हम लोग टच करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का ही नहीं यार, क्लास 9th, क्लास 8th आगे के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन के साथ अगर आप कॉन्सेप्ट भी सीखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ। कॉन्सेप्ट समझाना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप कई जगहों पे सीख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा जरूरी है। टाइमर लगा करके सॉल्व करो। आगे हम लोग इसी तरीके से सीरीज काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सर्कल जैसे हो जाते हैं, ज्योमेट्री के कई सारे क्वेश्चन होते हैं। आपको कोई भी फीडबैक हो, कोई भी डाउट रह गया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आपको फिर से कोई चीज समझ में नहीं आया हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन मिस्टेक हुआ हो, कहीं पर भी कुछ भी आकर आपको रेक्टिफाई करना हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, अपने दोस्तों से शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को। मिलता है हम लोग अगले वीडियो में, तब तक इजाजत, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।